हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ICSE मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा था भाई अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन क्लास एट्थ का मैथ का नाइन्थ बी एक्सरसाइज हमने कर रहे थे, जिसके अंदर अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फाइव तक कर लिए थे। आज हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखो भी कैसे करना है। हमने यहाँ पे निकालना है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कौन सा कैसे निकालते हैं भाई, देखो यहाँ पे एट को एज इट इज लिखना है रेशो। मीन प्रोपोर्शन हमारा होता है बीच वाला, ये वाला, ठीक है। दोनों का एक्स मानना हमने, और लास्ट वाला क्या अपने पास 18 है। कितना भाई 18। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेंगे भाई। फिर वही करते हैं हम जैसे हम पहले करते थे, ए डी इज इक्वल टू बी सी कर देंगे भाई। यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए और डी हमें क्या दिए हुए हैं, 8 और 18, और बी सी हमें दिया है एक्स एक्स। अगर मैं 8 और 18 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 और 18 इज इक्वल टू बी इंटू सी। बी और सी क्या भी अपने पास, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू में एक्स। 18 एट होता है भाई अपना 144। कितना होता है 144, और यहाँ पे हो गया x का स्क्वायर। क्या हो गया, अब आपको क्या करना है, 144 चेक करना है कि किसका स्क्वायर होता है। या तो आप लर्न कर लीजिए 20 तक मोस्टली कि किसका स्क्वायर होते हैं, या फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से ऐसे निकालना पड़ेगा। जैसे देखो 144 है तो दो से करेंगे तो इतना आ जाएगा यहाँ पे 72, फिर दो से करेंगे तो 36, फिर दो से करेंगे 18, फिर दो से करेंगे 9, फिर तीन से करेंगे, तो यहाँ पे पेयर बना लो। एक तो तीन का पेयर हो गया, एक दो का पेयर, और एक दो, इस दो के पेयर में से एक दो निकल गया, इस दो के पेयर में से एक दो निकल गया, और इस तीन के पेयर में से एक तीन पेयर निकल गया। तो 2 2 4, 4 3 12, तो एक किसका स्क्वायर होगा भाई, 12 का स्क्वायर होगा। तो आप 144 को लिख सकते हो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया भाई, आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 12 आ जाएगी, और आपका आंसर आ गया भाई यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन होगा 12। क्या होगा भाई यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन 12 होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन अपना 0.3 और 2.7 दिया हमें यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 0.3 रेशो एक्स रेशो 2.7। फिर वही इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी और इसको डी मान लेना है। तो आपने क्या करोगे भी यहाँ पर, ए डी इजिकल टू बी सी, और आपने यहाँ पे क्या कर दोगे फिर, ए डी और बी सी हमारे इक्वल हो जाएंगे, इनकी वैल्यू रख देते हैं भी। ए और डी अपने पास 0.3 ए डी और बी सी हमारे आ चुके हैं। यहां पर हम रखते हैं ए डी की वैल्यू, ए की वैल्यू अभी 0.3 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू अपने पास 2.7। बी और सी हमें एक्स ही दिया है तो एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स करते तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा भाई इज इक्वल टू, इसका पॉइंट हटा लो भाई, और 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81, और नीचे एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, यानी कि नीचे 100 हो गया। कितना होगा भाई 100। अब 81 का देखते हैं भाई, जो हमारा 81 है वो किसका स्क्वायर है, यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले पहले एक्स स्क्वायर एजिट लिख देता हूँ मैं एक बार। 81 है भाई अपना 9 का स्क्वायर होता है, किसको होता है 9 का, और ये होता है 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा भाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9.10। पॉइंट लगा देंगे तो वापस अपने पास कितना हो जाएगा भाई 0.9 आ जाएगा, और ये हमारा एक्स का आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे करना है थर्ड पार्ट इसका। पहले मिक्स फ्रैक्शन से कंप्लीट कर लेते हैं। 6 3 18, 1 कैरी गया, 6 3 18 और 1 19, और प्लस में 2 ऐड कर देंगे भाई, तो 19 और 2 कितना हो गया 200 हो गया। कितना हो गया 200 अपॉन में 3, ठीक है। रेशो एक्स लेते हैं, एक्स रेशो 6। उसके बाद अब वही करते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये है ए बी सी और डी, ठीक है भाई। ए डी 200 अपॉन में 3 करेंगे मल्टीप्लाई में, डी कितना भाई 6 है, इज इक्वल टू बी हमारा एक्स है, ये भी एक्स है, तो 3 से काट दो, 3 2 6, 2 को इससे करते हैं 400 हो गया भाई यहाँ पे, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है भाई 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और पीछे 100 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 20 का स्क्वायर हो गया ना ये, तो हम इसको लिख देंगे 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20 आ गई, तो यहाँ पर हमारा आ गया एक्स की वैल्यू 20। नेक्स्ट अभी हमारे पास कौन सा, फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है भाई। फोर्थ पार्ट देखो कैसे करेंगे हम, इसको लिख लेते पहले रेशो में 1.25 रेशो एक्स रेशो एक्स 0.45, ठीक है भाई। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी। फिर हम रखते हैं ए डी इज इक्वल टू अपना बी सी वाला फॉर्मूला,
ए और डी हमारे पास वैल्यू है 1.25 मल्टीप्लाई में 0.45 इजिक्वल टू बी सी अपने पास अभी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले पॉइंट हटा लेते हैं, इसके पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 100, इसके पॉइंट लगाएंगे इसके नीचे भी लग गया 100, ठीक है भाई। उसके बाद ये जीरो नहीं आएगी, फिर जीरो छोड़ देना यहाँ से। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं अभी। 125 को 45 से करना, पहले 125 को 45 से करना है। 5 5 25 का 5 2 कैरी गया, 5 2 10 और 2 12, 1 कैरी गया, 5 1 5 और 1 6, 4 5 20 की 0 2 कैरी गया, 4 2 8 और 2 10 की 0 1 कैरी गया, 4 1 4 और 1 5, तो आ जाएगा भाई 5 6 2 5 आ गया अपने पास। कितना आ गया 5 6 2 5, ऊपर लिख लेंगे हम 5 6 2 5 हमने ऊपर लिख लिया। यहाँ पे नीचे 100 और 100 को करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास 4 0 होगी नीचे, इजिक्वल टू एक्स को एक्स से करते हैं एक्स स्क्वायर। अब हमने पता लगाना है यहाँ पर कि 5 6 2 5 किसका यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, या तो आप कर लेना इसको 5 6 2 5 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, 5 1 5 5 1 5 बच गया कितना 1, 5 2 10 5 5 25, फिर 5 से कर लेना, 5 2 10 बच गया 1, 5 2 10 बच गया 2, 5 5 25, फिर 5 से 5 4 20 5 5 25, फिर 5 से कर लेना, 5 9 45 और ये 3 3। तो देखते हैं अभी किसका बना अपने पास, ये 5 और 5 एक 5 आ गया यहाँ से, इन दोनों से भी एक 5 आ गया, और इन दोनों 3 से भी एक 3 आ गया, 5 5 25 25 3 75, तो ये बन जाएगा ऊपर अपने पास किसका भाई 75 का बन गया। नीचे 4 0 है तो ये 100 का बनेगा, इजिकल टू एक्स स्क्वेयर, और इसके ऊपर भी स्क्वेयर लिख देना भाई, ठीक है। स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपकी 75 बाई 100, 2 पॉइंट लगा देना ऊपर, यानी कि 0.75, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। अब निकालते हैं भाई फिफ्थ पार्ट इसका, देखो पहले रेशियो में लिख लेते हैं इसको, 1 बाई 7 रेशियो एक्स, एक्स रेशियो 4 बाई 63, ठीक है भाई। उसके बाद ये ए हो गया बी सी डी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए आपका कितना भाई 1/7 और वो कितना 4/63, बी सी आपका एक्स इंटू एक्स, ठीक है भाई। तो 4 को 1 से करते हैं 4 आ जाएगा नीचे, 7 को 63 से करेंगे भाई 7 3 21 2 कैरी गया, 7 6 42 और 2 44 हो गया भाई, और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब आपको 4 का तो पता है 2 का स्क्वायर होता है, 4 4 1 हमें नहीं पता किसका होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 4 1 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो यहाँ पे 4 4 1, ठीक है। सबसे पहले 7 से कर लेते हैं इसको, 7 6 42 बच गए दो, 7 3 21, फिर 7 से करते हैं 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 से 3 से 1, तो एक तो पेयर निकल गया 3 से 3 आ गया, एक पेयर निकल गया 7 से 7 आ गया, 7 3 21, तो ये किसका स्क्वायर होता है भाई 21 का, तो ऊपर तो 2 का स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया 21 का, इसका होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2 बाय 21, और ये हमारा हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे करना है। 28 हमें दिया और दिया हमें 7, 28 इज द थर्ड प्रोपोर्शन, 28 थर्ड प्रोपोर्शन है टू 7, तो 7 सबसे पहला हो गया भाई एक्स, और 28 थर्ड यानी कि लास्ट प्रोपोर्शन होगा भाई, तो इसमें भी ये करना है, इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लोगे, इसको सी और इसको डी, तो आपने क्या करना है ए डी इज इक्वल टू बी सी कर दोगे, एक्स और एक्स हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर इस साइड दो, और इस साइड हो जाएगा 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 इंटू में 7, एक्स के एज इट इज रखूंगा भाई यहाँ पे मैं, इज इक्वल टू 28 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा अपने पास वही 196, कितना आ जाएगा 196 एक्स का स्क्वायर। आपने सेम करना भी 196 को भी ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेना है, निकालोगे तो आपका क्या बन जाएगा ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी भाई, और ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट भी सेम टू सेम है भाई, 18 हमारा स्टार्टिंग में है, नेक्स्ट को हमने क्या मान लेना एक्स मान लेना, और लास्ट 50 है, तो इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो फॉर्मूला सेम ही चलना भी अपना, ए डी इज इक्वल टू बी सी, पूरी एक्सरसाइज में ही चल रहा अपना,
ए और डी हमारे पास क्या भाई, 18 और 5 यानी कि 50 इज इक्वल टू बी सी हमारे पास एक्स एक्स, तो एक्स स्क्वेयर हो गया। अब एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू 18 5 से 90 होता है भाई, क्या होता है 90, और पीछे एक जीरो लगी हुई है। 90 किसका स्क्वेयर होता है 900 भाई, यहाँ पे देखेंगे 9 होता है 3 का और 100 होता है 10 का यानी कि 30। स्क्वेयर किस स्क्वेयर कट गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास भाई यहाँ पे 30 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी।